ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ, दे ए, तुम चलो। ए बगा, इकड़े बगा जाऊं। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर। क्या है सिनेमा की अहमियत? महाराष्ट्र में सिनेमा खुलने में किसका रहा सबसे बड़ा योगदान और रोहित शेट्टी ने किससे की मुलाकात? जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त अनविता पाशा, कॉल करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में स्वागत। दोस्तों, सिनेमा अगर ना हो तो जिंदगी बेजान हो जाती है और ऐसा ही हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन फिर OTT प्लेटफॉर्म ने इस दौरान इस बेजान सी जिंदगी में भरा रंग। लेकिन बाप तो आखिर बाप ही होता है और इसीलिए अब वापस लौट कर आ रहा है बाप, यानी कि सिनेमा वापस लौट कर आ रहा है पटरी पर। लेकिन सिनेमा को वापस लाने में आखिर सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो बता रहे कि कुछ दिनों पहले इंडस्ट्री में एक ऐसा ऐलान हुआ जिससे सभी के चेहरे चमचमा उठे। ये ऐलान था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सिनेमा घरों को खोलने के बारे में। और ऐलान का असर ऐसा हुआ कि मात्र 2 दिन में 25 फिल्मों की रिलीज डेट को अलग अलग मेकर्स द्वारा अनाउंस कर दिया गया। मेकर्स ने सूर्यवंशी 83, बंटी और बबली 2, हीरोपंती 2, गणपत जैसी कई फिल्मों का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ है, इन सब की थिएटरिकल रिलीज के पीछे कड़ी मेहनत है। और ये कड़ी मेहनत किसकी है? सूर्यवंशी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी की। कैसे, आपको आगे बताते हैं। बता दें कि रोहित ने महाराष्ट्र में सिनेमा घर खुलवाने के लिए जी जान लगा दी थी। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में सिनेमा घर खुले हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये अभी तक बंद है, जो कि 22 अक्टूबर से खुलेंगे। पिछले 18 महीनों से, यानी कि लगभग 1.5 साल से रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन थिएटर्स बंद होने के कारण वो अपनी रिलीज के लिए अटकी पड़ी थी। इसी वजह से डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने ये खुद ही पहल की और संबंधित अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग शुरू करी। एक के बाद एक वो कई मीटिंग्स करते गए, लोगों से मिलते रहे और आखिरकार उन्हें 25 तारीख को उद्धव ठाकरे से इसी सिलसिले में मिलने का मौका भी मिला। उनकी मुलाकात का असर कुछ यूं हुआ कि उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है राज्य में सिनेमा घर खोलने का। यही वजह है कि सूर्यवंशी के वीर ने उद्धव ठाकरे को सोशली धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि सूर्यवंशी कॉप यूनिवर्स की 3री फिल्म है, जिसमें हम अक्षय कुमार ACP वीर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और इनकी बीवी के रोल में नजर आएंगी कैटरीना कैफ। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी इसमें एक कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सिर्फ वर्दी का नहीं बल्कि रिश्तों का भी कनेक्शन होगा। तो क्या आप इनके रिश्तों के कनेक्शन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।